हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी अन एकेडमी। कुछ दिन पहले मैंने आपको यूट्यूब गेट एकेडमी के इसी चैनल पे एक वीडियो दिया था, जिसमें मैंने आईआईटी हैदराबाद के बारे में पूरी डिटेल आपको बताया था। उसमें मैंने जिक्र किया था कि यहाँ पे सेल्फ स्पॉन्सर्ड में भी एडमिशन होता है। आज मेरे साथ आयुष चंद्राकर, जो कि भिलाई से ही है और उन्होंने गेट एकेडमी से ही पढ़ाई की है। आज आईआईटी हैदराबाद के हॉस्टल में वो मेरे साथ है और हम आपके साथ कुछ डिटेल्स उनका शेयर करते हैं और इस वीडियो के एंड तक आपको सारी चीजें जो एग्जैक्टली आईआईटी हैदराबाद से आप जानना चाहते हैं वो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो आयुष, हाउ आर यू? फाइन सर। आयुष, कुछ दिन पहले ना मैंने स्टूडेंट से ना एक वीडियो शेयर किया था, उसमें ना तुम्हारा जिक्र भी किया था मैंने। मैंने ये बोला था कि आयुष से मैं आपको इंटरेक्ट करवाऊंगा, तो आज वो दिन आ गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा आप अपने बारे में बता के स्टार्ट कर सकते हैं, अबाउट योर क्रेडेंशियल्स इन गेट एंड व्हाट इज योर बैकग्राउंड बीटेक ब्रांच एंड एवरीथिंग। सर, बेसिकली आई हैव डन माय बीटेक इन लाइफस्टाइल ऑफ टेक्नोलॉजी सर, बट दैट इज फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड आई एम इन फाइनल ईयर। आई हैव प्रिपेयर फॉर गेट एग्जाम। In that, I have just given a gate exam in electronics background, and in that, I have secured almost 1900 something rank in gate. Mm-hmm. After that, that's not that great score or rank according to me, but I have just thinking of preparing for taking a drop. But side by side, I have taken seen this self-sponsored program in the websites. Mm-hmm. So I have just applied for it for IIT Edinburgh, and definitely I got selected in that. Ayush, ये आपका गेट रैंक उतना अच्छा नहीं था, आपने बोला लगभग ये 1929 के आसपास था, और इस रैंक में 1900। सो इस रैंक में आपको डायरेक्टली ये लगा कि मुझे सेल्फ स्पॉन्सर्ड में ही लेना चाहिए, क्या आपने ट्राई किया था कि इस लो गेट स्कोर में और कुछ आपको किसी आईटी में मिल जाए? सर, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, नॉट आईटीज ओनली, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे विदाउट गेट के एडमिशन होते हैं, जैसे ट्रिपल आईटी दिल्ली है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, जो खुद के अपने एग्जाम इंटरव्यू जो भी है वो कराते हैं, वो कंडक्ट करते हैं। तो मैंने ये कुछ दो तीन ही उसमें अप्लाई किया था, क्योंकि मैंने अपना थोड़ा मन बना लिया था कि ड्रॉप लेना है। तो मैंने सिर्फ अप्लाई किया था एक्सपीरियंस के लिए, ऐसा मेरे को उतना और भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे विदाउट गेट वो होते हैं। मतलब काफी सारे ऐसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं जो लो गेट स्कोर में एडमिशन देते हैं बाय देयर सेल्फ एग्जाम्स एंड इंटरव्यू के थ्रू, लेकिन आपका मन बन गया था कि आप ड्रॉप लेंगे, इसलिए आपने इतना ट्राई नहीं किया। तो इसका मतलब है कि आपने आईटी हैदराबाद में जो एडमिशन लिया वो गेट का जो रिजल्ट आया उसके काफी दिनों बाद लिया। कौन सा मंथ था जब आपने सेल्फ स्पॉन्सर्ड में अप्लाई किया था? सर, अप्लाई मैंने अप्रैल में किया था, मिड ऑफ अप्रैल से। जो कोफ राउंड होता है उसके बाद लगभग 3-4 राउंड हो जाता है, उसके बाद उसका नोटिफिकेशन नजर आता है। ओके। और उसका एग्जाम जो है जुलाई, जून जुलाई के उस पे होता है, इसका रिटर्न एग्जाम भी होता है सस्पेंशन के लिए, उसके बाद फिर शॉर्टलिस्टेड होके इंटरव्यू होता है, देन ये प्रोसीजर होता है एडमिशन। अच्छा चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको जो रिटर्न एग्जामिनेशन था उसमें कितने क्वेश्चंस आए थे और वो क्वेश्चंस किस पर्टिकुलर टॉपिक से थे और वो क्वेश्चन का लेवल क्या था, डिफिकल्टी लेवल? सर, एक साथ डोमेन में आप मतलब कि एम आई ऑडिबल? हाँ, आवाज थोड़ी कट रही है आयुष आपकी, अभी आ रही है, बताइए। तो मैं मतलब कि एक कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग में मैंने अप्लाई किया था और माइक्रोकंट्रोलर वीएलएस में अप्लाई किया था, तो दोनों का दो अलग अलग पेपर हुआ था। और एक तो मतलब बेसिक से आपसे पूछेंगे और पेपर 1 आवर का होता है ऑलमोस्ट, और आपके गेट का जो सिलेबस होता है उसी से रिलेटेड होता है, लेकिन वो ब्रांच मतलब ब्रांच स्पेसिफिक होता है। जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में
आप डिवाइसेस साइड सर्किट साइड ज्यादा वो इंप्लीमेंट होगा, उसमें कम्युनिकेशन वाली चीजें नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं कि ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मोस्टली, कुछ एनएटी टाइप भी होते हैं। ओके, और एमएसक्यू जैसे तो नहीं होता है मोस्टली। यस, एमएसक्यू नहीं होता ज्यादा। एक क्वेश्चन अगर एमएसक्यू हो गया तो हो गया, तो एनएटी होता है और वो होता है। कितने क्वेश्चंस आते हैं 1 आवर में सॉल्व करने को? 1 आवर में क्वेश्चन आई थिंक 30 होता है। 30 या क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब वो पूरा सॉल्व होगा कि नहीं वो नहीं होता। तो 30 क्वेश्चंस में 30 के 30 हमको बनाने रहते हैं कि हम उसमें जितने बनते हैं उतने ही बनाते हैं? सर पूरे तो अटेम्प्ट नहीं हो पाते, बहुत लेंथी पेपर होता है, लेकिन जितना भी अटेम्प्ट हुआ अपना अटेम्प्ट हो और फिर बाद में शॉर्ट होती है। ठीक है ठीक है, उसके बाद का वो चीज ओपन नहीं होता है तो अच्छे से पता चलता है जब उसके मार्क्स ओपन नहीं होते। हां नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट लेवल है वो ये जो क्वेश्चंस का लेवल है, ये मैं पूछा था आपसे कि ये डिफिकल्टी लेवल कैसा रहता है इसका? सर उसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन होगा जो बनेगा, लेकिन वो टाइम टेकिंग होगा, और इजी क्वेश्चंस भी होंगे। और ये एक रहेगा कि बेसिक्स को वो चेक करें, आपके बेसिक्स क्लियर है तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट्स होंगे और वो बनेंगे। चौक अटेंड करोगे वो बन जाएंगे, बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। ये तो मैं देखें बेसिक्स इम्पोर्टेंट कोई भी आप ब्रांच के ऊपर, मतलब जिस फील्ड में आप अप्लाई, जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हो उस प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप अगर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स VLSI में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको EDC डिजिटल एनालॉग से सब क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने कम्युनिकेशन में अप्लाई किया तो आपको कम्युनिकेशन सिस्टम EMT इनसे क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। ओके राइट, और सबसे इम्पोर्टेंट मैथ्स और सिग्नल सिस्टम, ये दोनों में कॉमन था देखा मैं। मैथ्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए, मैथ्स शुड बी वेरी स्ट्रांग। ये तो नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स को हम लोग काफी बार बताते हैं कि आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए तभी आप हायर स्टडीज में बहुत अच्छा कर पाएंगे। सो आयुष, ये रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद फिर इंटरव्यू कैसा होता है? इंटरव्यू कितने दिनों बाद होता है और कैसा इंटरव्यू फेस करना पड़ा आपको? हम लोग के टाइम में पहले नोटिफिकेशन आया था कि जस्ट अगले दिन ही या उसी दिन ही इंटरव्यू भी हो जाएगा, बट फॉर सम रीजन वो डिले हुआ था एक हफ्ते के लिए। एक वीक इंटरव्यू के लिए ज्यादा टाइम नहीं होता है आई थिंक, मतलब जस्ट तुरंत ही होता है, टाइम आपको उसके लिए नहीं दिया जाएगा। और हमारे टाइम में ये भी था कि वो ऑफलाइन होने वाला था, तो यही IIT हैदराबाद में बुलाया गया था और रिटर्न और दोनों के लिए, तो वो एक ही दिन में हो जाता। लेकिन अभी अभी शायद मतलब कुछ रीजन की वजह से हम लोग का वो ऑनलाइन हो गया था, तो अभी बस यही है। अच्छा, तो आयुष ये आपने जब इंटरव्यू फेस किया तो आपको किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे वहां पे, ये पूछ रहा था? सर पहले तो आपके एक बार ये मैथ्स के क्वेश्चन पूछते हैं बेसिक्स, उसके बाद फिर आपके फिर जो आपको चॉइसेस मिलते हैं कि आपको कौन से डोमेन साइड मतलब डिवाइसेस पे इंटरेस्ट है कि सर्किट पे, जैसे मैं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, तो फिर आप चूज कर सकते हो उस पर कि कौन से उस पर आप अप्लाई कर रहे हो, तो फिर आप चूज करोगे फिर उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। बेसिक्स वो ज्यादा चेक करते हैं, आपको बेसिक से चालू करेंगे कि मतलब हायर लेवल पे जाते जाते जब तक आप हटा नहीं। राइट, तो आपका अगर बेसिक पूरा थोरो है तो आपको वहां पे इंटरव्यू में भी दिक्कत नहीं आएगी और रिटर्न एग्जाम में भी दिक्कत नहीं आएगी। राइट आयुष, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ कि आयुष वहाँ की फीस क्या है? अगर सेल्फ स्पॉन्सर्ड में कोई बंदा अप्लाई करना चाहे तो फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर या फिर 2 साल की फीस वहाँ की क्या रहेगी? सर ओवरऑल फीस जो है आई थिंक 12 लाख की है पूरे 2 इयर्स की, तो या 2 इयर्स की 12 लाख। तो ये फीस किस तरीके से पे करना रहता है, क्या हम उसको इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं या इंस्टॉलमेंट नहीं? आप लोन मिल जाता है और इंस्टॉलमेंट का इंस्टॉलमेंट नहीं होता आई थिंक, आपको सेमेस्टर के आपको हर सेमेस्टर में फीस पे करना होगा, बट यू कैन इजीली अप्लाई फॉर लोन या यू कैन इजीली गेट।
तो आयुष, ये 12 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे तो इसका रिटर्न, मतलब आपको क्या लगता है कि इसका रिटर्न हमको मिल जाएगा? ऐसी हमको प्लेसमेंट्स मिल जाती है जिससे कि हम ये बोल सके कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटर्न हो जाएगा हमको वापस से? डेफिनेटली अगर अच्छा कॉलेज है और ब्रांच मैटर करता है, नो डाउट ब्रांच मैटर। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई भी ब्रांच पे आप सर्च कॉन्सर्ट में आके ज्वाइन कर लो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ब्रांच बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रांच अगर आपका अच्छा है तो फिर आप आग बन करके मुझे लगता है कि ज्वाइन कर सकते हो। डेफिनेटली आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। या तो लास्ट ईयर का प्लेसमेंट सिनेरियो क्या बोलता है आयुष, कि आपका जो VLSI, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI का जो ब्रांच है उसमें क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है सर, प्लेसमेंट का? हमारे कॉलेज में, हमारे सीनियर सारे प्लेसमेंट 100% हंड्रेड हमारे परसेंट कैंपस प्लेस्ड है तो इनका एवरेज जो CTC जाता है वो कितना जाता है? सर मोर देन 30 लाख एवरेज। मोर देन 30, मतलब ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न बहुत अच्छा है बोलना चाहिए। हाँ तो आयुष, अभी आप सेकेंड सेम में हैं? यस हाँ सर सेकेंड सेम में हैं तो अभी आपका इंटर्नशिप चालू हो गया? नो सर हमारे कॉलेज में इंटर्नशिप अलाउड नहीं है। यहाँ पर्टिकुलरली रिसर्च पे ज़्यादा वो होता है। रिसर्च पे आपको प्रोजेक्ट गाइड अलॉटमेंट होगा आपका, और फिर आपको उस गाइड के साथ प्रोजेक्ट करना होगा पूरा 3 और 4 सेमेस्टर रिसर्च वर्क होता है। इंटर्नशिप आपको अलाउड नहीं करते हैं। इंटर्नशिप अलाउ नहीं है। नहीं। तो आयुष, ये वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा मैं आपसे पूछता हूँ कि वहाँ पे फैकल्टी कितना इंटरेक्टिव है, कितना फ्रेंडली वहाँ एनवायरनमेंट है, और सर क्या ऐसा कुछ आइसोलेशन है कि जो सेल्फ स्पॉन्सर्ड है, या फिर जो कैंडिडेट्स रैंक के थ्रू, एक गुड रैंक के थ्रू एडमिशन लिए हैं, उनके बीच में कोई आइसोलेशन है कि एकदम कूल एनवायरनमेंट? नहीं सर कोई ऐसा आइसोलेशन नहीं है। मतलब हम सारे फ्रेंड्स अभी साथ में ही रहते हैं, अभी सब हॉस्टल में साथ में ही रहते हैं, तो ऐसा कोई आइसोलेशन नहीं है। और इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि जो अभी सर कॉन्सर्ट से आया है वो ज्यादा अच्छा कर रहे हैं कंपैरेटिवली एमओई के। मैं अभी ये देख रहा हूँ जो कि मतलब वो उनका रैंक जो है, जो एमओई से है, उनका रैंक ऑलमोस्ट 200 के अप्रॉक्स है। मोस्टली इलेक्ट्रिकल एंड बैकग्राउंड से वो लोग देखा। और सर लेकिन हमारे बीच ऐसा नहीं होता है कि गेट गेट से है, और कहीं भी ऐसा किसी भी ब्रांच पे कहीं पे वो नहीं है कि ये गेट से दे के आया है, ये सर स्पॉन्सर्ड है, ऐसा कहीं पे कुछ ऐसा। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं हम सबको ये पता है कि IIT हैदराबाद जो है वो रिसर्च में बहुत अच्छा कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वहां पे रिसर्च के लिए जो एक इंटरेक्शन होना चाहिए एक गाइड का और एक स्टूडेंट का जो वहां पे वर्क कर रहे हैं, तो वो कितना सही है कि एक स्टूडेंट प्रॉपरली रिसर्च करके आगे बढ़ सके? सर यहाँ पे रिसर्च पर तो बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब इसको बहुत ज्यादा पुश किया जा रहा है रिसर्च करके। बहुत सारे यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस और ये होते रहते हैं डे बाई डे। और यहाँ पे मतलब सीनियर्स जो भी है, जो PhD वाले हैं, वो आपके हेल्प करेंगे। यहाँ के एनवायरमेंट ऐसे देखा तो बहुत है कि आप किसी के साथ भी कोई भी दिक्कत है, कुछ भी, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई भी ओवरऑल किसी भी, आप प्रोफेसर से बात कर सकते हो, PhD हमारे सीनियर से, उनसे बात कर सकते हो। ऐसा कोई कुछ नहीं है, सब अच्छा है। तो आयुष, एट लास्ट मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कौन कौन सी कंपनीज है जिनको एक स्टूडेंट बीटेक के बाद जानता है, आप बताना चाहेंगे कि ये कंपनीज जो है वो फाइनल ईयर के बाद आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा इन कंपनीज में? सर जैसे हमारे कॉलेज में पर्टिकुलरली मेरे ब्रांच में से एक मास्टर प्रोडर है, TSMC मास्टर प्रोडर है, एंड इंटेल, क्वालकॉम, AMD, सैमसंग, बहुत सारे माइक्रॉन कंपनीज आती है। तो एक लो गेट स्कोर स्टूडेंट्स के लिए आप क्या सजेशन देंगे कि क्या उनको फिर से गेट की तैयारी करनी चाहिए, या फिर उनको सेल्फ स्पॉन्सर्ड, या फिर वो कहीं पे इंडस्ट्री में है तो वो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, या फिर किसी एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में, जैसे आप स्टार्टिंग में बता रहे थे कि IIIT में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, तो आपका क्या सजेशन है कि उनको फिर से गेट करना चाहिए, या फिर किसी PSU के लिए फिर से तैयारी करनी चाहिए, या फिर किसी अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेज में जैसे कि आप हैं ऐसे कॉलेज में
एक अच्छा अमाउंट देके इन्वेस्ट करके एडमिशन ले लेनी चाहिए? सर बेसिकली अगर आप ड्रॉप लेने की अभी सोच भी रहे तो कोर्स का जो कोर्स है सिलेबस है वो तो सेम ही है. अभी आप अप्लाई कर सकते हो ये सारे उस पर. आपका एटलीस्ट एक्सपीरियंस होगा कि क्या होता है, कैसे होता है इंटरव्यू, आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आप एक एक्सपीरियंस मिलता है अपने आप में कि एग्जाम देने बैठ रहे हो तो क्या होता है. तो मेरे को लगता है कि ठीक है ड्रॉप लेने का प्लान अगर किसी का बन रहा है तो उस पर दिक्कत नहीं है. लेकिन आप साथ में अप्लाई भी कर लो कि यहाँ पे आपको आपके लिए वो फायदा है कि आपको वो मिलेगा, एक एज मिलेगा कि क्या ये पूछते हैं मेरा ये चीज. आपको खुद अपने आप को जानने मिलेगा कि मेरे में क्या प्रॉब्लम्स है तो मैं उसको ठीक करूँ. चलिए आयुष, आपसे तो इंटरेक्शन मेरा होता रहता है. आप भिलाई फिर से आए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, कब आएंगे आप. और एक अच्छा इंटरेक्शन रहा आपके साथ आज भी. सो मैं सोचता हूँ कि आज का ये वीडियो डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स को गाइड करेगा जो आईआईटी हैदराबाद में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, पर्टिकुलरली सेल्फ स्पॉन्सर्ड के बारे में सोच रहे हैं, या फिर उनका गेट स्कोर अगर लो है तो उनको क्या प्लानिंग करनी चाहिए. आई होप कि ये सभी चीजें उनको एडवांटेज देगी ये वीडियो में. सो थैंक यू आयुष फॉर योर प्रीशियस टाइम, क्योंकि अभी आपका गाइड का और आपका प्रोजेक्ट का पूरा चल रहा था, बहुत लंबे समय से आप उसी में लगे हुए थे. सो थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम. थैंक यू. कि 28 फरवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है एंड दैट क्लास इज फॉर सिग्नल सिस्टम बाय सुजय जसूजा सर, जो कि 7 PM को आपकी क्लासेस लेंगे. डेली होगी ये क्लास, सैटरडे संडे छोड़ के. स्ट्रेटेजी एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम उसी दिन 5:30 बजे प्लान किया गया है. ये कब स्टार्ट हो रहा है? 28 फरवरी. इसमें आप 2024 के लिए प्लानिंग के लिए बैच उड़ान बैच के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, और बुनियाद बैच 2025 के प्लानिंग के लिए. इसमें कुछ एडिशनल चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे मिलने वाला है 50% का डिस्काउंट, है ना, अप टू 50% का डिस्काउंट. और ये जो 50% का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है ये सिर्फ 28 फरवरी तक ही मिलने वाला है, यानी कि कल तक. तो ये स्टार्ट हो गया था 22nd से, ठीक है. तो आप इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, गेट, ESC, PSU, CSE, मेंस 2024 के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं. इसमें हमारा लाइव क्लासेस अवेलेबल है प्लस एंड आइकॉनिक के नाम से, जिसके जो ड्यूरेशन है, जब तक आपकी कोर्स की वैलिडिटी रहेगी यहाँ पे 12 मंथ, लेकिन यहाँ पे फ्री 2 मंथ का भी एडिशनल बेनिफिट आपको दिया गया है. उसके अलावा यहाँ पे 18 मंथ का आपको आइकॉनिक बैच मिल जाएगा. उसके अलावा प्लस 2 मंथ का फ्री आपको दिया जा रहा है सब्सक्रिप्शन. और कोर्स की प्राइस अमाउंट जो यहाँ पे आपको दिख रही है ये आपके पास रहेगा. और इसके अलावा आपको क्या करना है, GA1111 कोड यूज करना है ताकि ये बेनिफिट आपको मिल सके. इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे और बोल सकते हैं कि बाय यूजिंग GA1111 कोड आई वांट टू सब्सक्राइब दिस टू कोर्सेस. दिस इज ऑल अबाउट 2024. अगर हम लोग बात करें 2025 के लिए, तो 2025 के लिए भी आपके पास कोर्स अवेलेबल है, और 2025 के लिए आपके पास प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है. ये भी, इसकी भी वैलिडिटी 28 फरवरी तक ही है. इसकी वैलिडिटी, ये जो डिस्काउंट ऑफर आपको दिया जा रहा है अप टू 50% डिस्काउंट ऑन गेट एंड ESC WEC, यहाँ पे भी आप प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लाइव क्लासरूम प्रोग्राम के लिए ले सकते हैं. आपको यहाँ पे दिया जाएगा 24 मंथ प्लस 6 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अगर अभी आप लेते हैं तो. ये इसका प्राइस अमाउंट है. यहाँ आइकॉनिक में भी आपको 24 मंथ प्लस 2 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, और ये उसका प्राइस अमाउंट है. आप कोड यूज करेंगे GA1111 टू सब्सक्राइब दिस कोर्स. अब इसके बाद मैं बात करूं थोड़ा सा आपके साथ रिकॉर्डेड कोर्सेज के बारे में भी. तो यहाँ पे आपके पास मिल सकता है आपको रिकॉर्डेड हिंदी में सारे ब्रांचेस में कोर्स. ये 15 मंथ और 30 मंथ का है. यहाँ पे आपको मिल रहा है फ्लैट 20% ऑफ, लेकिन ये भी 28 फरवरी तक ही आपको मिल पाएगा फ्लैट 20% ऑफ. यहाँ पे 15 मंथ और 30 मंथ के कोर्स की जो प्राइस अमाउंट है ये आपको आश्चर्य कर सकती है. दिस इज वेरी गुड कोर्सेस विथ recorded form available in Unacademy app. Okay, so next I will share you that ki English bhi available hai 20% off ke saath, jo ki 15 month aur 30 month ke course duration ke saath available hai, jiske price amount yahan pe likhi hui hai. GA1111 aap code laga sakte hain, aur ye aapka GA1111 code ke baad aap isko subscribe kar sakte hain. Iske alawa main aapko bata dun ki hamare recorded video courses bhi pen drive ya fir G drive ke form mein available hai.
इसके लिए आपको गेट अकेडमी के वेबसाइट में जाना पड़ेगा www.gateacademy.co.in, जहां पे ये कोर्सेस और ये अमाउंट आपको दिख जाएगा, इसको भी आप ले सकते हैं। सबसे खास बात ये कि अन अकेडमी का ऑफलाइन पहला सेंटर ओपन हो रहा है दिल्ली में, और अगर आप देखें तो इसमें भी दिल्ली में जाके आप एडमिशन ले सकते हैं, और ये ऑफलाइन कोर्स है तो इसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट दिया जा रहा है, जो हमारे ओल्ड प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के स्टूडेंट्स हैं उनको 50% का ऑफ ऑफलाइन में दिया जा रहा है। जो हमारे दूसरे एकेडमी के लर्नर्स हैं जो अनएकेडमी के ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं उनको 50% ऑफ दिया जा रहा है। जो अर्ली बर्ड मतलब अभी से एडमिशन ले लेंगे उनको 33% ऑफ में एडमिशन मिल जाएगा, और इसके अलावा जो हमारे रैंकर्स हैं या फिर पीएसयू में इंटरव्यू तक वो गए हैं उनको भी यहाँ पे 20% ऑफ के साथ सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। खास बात ये कि हमारा एड्रेस ये है खसरा नंबर 262, यहाँ पे साकेत, न्यू दिल्ली। यहाँ पे आप जाके अपनी क्वेरी कर सकते हैं, इसको स्कैन करके आपको मिल जाएगा पूरा गूगल मैप का एड्रेस जहां पे ये एग्जिस्ट करता है। यू जस्ट फॉलो एंड गेट इनटू दैट। खास बात ये कि हमारे पास नो कॉस्ट ईएमआई भी अवेलेबल है 0% इंटरेस्ट के साथ, तो अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई लेना लेके थ्रू फाइनेंशियली चैलेंज्ड है तो इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, 2 घंटे में आपको अप्रूवल मिल जाएगा। सो यू कैन सब्सक्राइब बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर ईएमआई रिसोर्सेस। इसके अलावा GA1111 कोड है, क्योंकि हमारे कोर्सेज के काफी सारे यूएसपीज हैं, और वो ये कि आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, आपको स्ट्रेटेजी गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा, अगर आप आइकॉनिक के हैं तो आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेगा। इन सभी टाइप के काफी सारे एडवांटेजेस आपको अनएकेडमी के सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको सिर्फ ये करना है कि GA1111 कोड यूज करके आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट आई वांट टू टोल्ड यू, और आप केयर कीजिएगा। अगर आप किसी भी ब्रांच में हैं और आपको सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और मिशन सेमीकंडक्टर्स में जुड़ने का अगर आपका एम है तो डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू, क्योंकि आईएससी बेंगलोर ऐसा पहला इंडिया में आपके पास जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में आता है जहां पे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पे पढ़ाई जो है वो इस साल स्टार्ट होने वाली है, और ये आपके जो वी कैन से कि स्टार्टअप में भी हेल्प करेगा, और जहां पे काफी सारे ग्लोबल लीडर्स इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उनके साथ आपको कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन देने को मिल जाएगा। सो दिस इज वेरी गुड थिंग, और मैं इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेता हूं क्योंकि आई एम ऑल्सो फ्रॉम द सेम फील्ड। सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, यू जस्ट पुट अप ऑल द थिंग्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल टेक द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।